अब हम समझेंगे हमारा अभिषेक किससे हुआ है। हम जाएंगे सेकंड कुरिन्थियों, निकालो दूसरा कुरिन्थियों, उसका एक अध्याय, उसकी 21 और 22 आयत, दूजा कुरिन्थियों 21:1-22। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया है वही परमेश्वर है। क्या है? जो लोग पढ़े नहीं है मैं फिर से उनसे उनके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनो। कहता और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया है वही परमेश्वर। जिसने हमारा क्या किया है? अभिषेक है, वही परमेश्वर। जिसने हम पर शाप भी कर दी और ब्याने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। क्या दिया है? ब्याने में हम उस आत्मा को हमारे मनों में दिया। जैसे आप पुराने नियम में पढ़ो तो जब अभिषेक का तेल होता, जब दाऊद का हुआ तो लिखा उस पर आत्मा उतरा। तो हम तो आज क्या नहीं है, समझ आ रही मेरी बात? क्योंकि मैं अभी आप समझोगे आज बड़े सत्य को, इस सच्चे सच को हैरान हो जाओ, हैरान करने वाली आज शिक्षा। ठीक है, अभी हम और पढ़ेंगे यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 2:20। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ और जो और तुम सब कुछ जानते हो। क्या हो? परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। पवित्र से मतलब यीशु से। बोलो क्या हुआ? और तुम सब कुछ जानते हो, क्योंकि हमारा अभिषेक किससे हुआ है? यीशु से, उस पवित्र से। क्योंकि यीशु का अभिषेक भी किससे हुआ है? किससे हुआ था? अब इस वचन को हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम इसकी 10:38 पढ़ेंगे। प्रेरितों की पुस्तक हिंदी में पढ़ो जल्दी से, पंजाबी में रसूलां दे कर्तव्य 10:38 मिल गया तो जल्दी से पढ़ दो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस बात को आज मैं आंसी खत्म करूं। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हाँ, अब ध्यान से इस बात को भी नोट कर लो, क्योंकि यीशु मसीह का जो अभिषेक था किससे हुआ है? पवित्र आत्मा से। और यहां पे लिखा और तुम, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ, जैसा यीशु का पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ। अभी मैं आपको एक वचन पढ़ाने वाला, आप हैरान हो जाओगे। पहले हम इस वचन को पढ़ते हैं 2:27 से। परंतु तुम्हारा यह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में कोई तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। इस बात को तुम्हें कोई सिखाए, क्योंकि वो अभिषेक तो तुम में बना रहता है। क्या रहता है? जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो, हाथों को दोनों को हटाकर बोलो। परंतु तुम्हारा अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहा रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहते, जैसा तुमने उसे सिखाया। यीशु मसीह ने क्या सिखाया? हमने किस बात पर बने रहना? अब मत्ती, मरकर, लुका, यूहन्ना पढ़ो, जो जितने काम यीशु मसीह ने किए हैं, बताओ मुझे कहीं पर भी निकाल कर कहां पे यीशु मसीह ने तेल को निकाला, चेलों को कहा? अब मरकुस सिर्फ लिखता है, ना मत्ती लिखता है, ना लुका लिखता, ना यूहन्ना लिखता। कितनों को समझ आ रही? जैसा यीशु मसीह का पवित्र आत्मा से अभिषेक करने का, तुम्हारा भी उसी पवित्र से हुआ है और इसका भी प्रयोजन नहीं। कैसे बोलते हैं इसे? प्रयोजन। हाँ, पंजाबी में से क्या लिखा है? पंजाबी में पढ़ना इसका 27,
जल्दी से जल्दी स्पीड से स्पीड में रहो आज। हालेलुया, क्योंकि तू मेरी जान पाताल विच ना छड़ेगा ना अपने पवित्र पुरख नु। क्या कर रहे हो? पहला यूहन्ना 2:27 तुम अंजील पढ़ रहे हो। मैंने बोला तो था कि पहला यूहन्ना पत्रियों वाला 2:27 पढ़ो, जल्दी करो जल्दी। हालेलुया, ओम मसाह जो तुसा ओदे वलो पाया सो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਸਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਬ ਕੁਛ ਲੋਕ ਮਸੇ ਕੋ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਲਿਖਾ ਵੋ ਤੋ ਤੁਮੇ ਬਣਾ ਰਹਤਾ ਹੈ ਵੋ ਮਸਾ, ਮੰਗਨੇ ਵਾਲੀ ਤੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੇ ਪੜੋ, ਉਹ ਮਸਾ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਮਸਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਯੇਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ तरीके दी देवे कि नहीं नहीं बई ये झूठ है। हो सकता कल कल को आप में से कोई ऐसा शैतान उन्हें कोई ऐसे सिखाए और बोले नहीं नहीं मैं गलत हूं। अगर मैं गलत हूं तो परमेश्वर सामने, ये मिनिस्ट्री सामने है, मैं सामने हूं, मेरा परिवार सामने है। परमेश्वर आज ही वो स्वर्ग से आग भेजे और इस बात का न्याय करे, चाहे वो मैं नाश करे, मुझे खत्म करे, मुझे कोई परवाह नहीं है। बोलो क्या है? वो आज इस बात को प्रकट करे स्वर्ग से। समझ आ रही है? क्योंकि मैं कभी ऐसे कभी नहीं बोलता अपने मुंह से, मैं गलत कभी आज तक मैं नहीं बोलता हूं। पर मैं आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए यह बात बोलूं कि अगर यह बात गलत है, कोई मुझे गलत ठहराए और आपको कहे यह बंदा शैतान का है, तो परमेश्वर आज इस स्वर्ग से उस आग को भेजे, मेरे को और मेरे परिवार को क्या कर दे। समझ आ रही है? आपके मन को अच्छा करने के लिए बात बोल रहा हूं। समझ आ गई है? तो अब मसीह की बात आपको समझ आ गई है? कितनों को समझ आई है? अब जो सबसे मेन चीज है हम अब पढ़ेंगे इब्रानियों 8:13, जिससे लोग कंफ्यूज होते हैं, उलझन में पढ़ते हैं जब इस वचन को, इब्रानियों की पत्री को पढ़ते हैं, क्योंकि इब्रानियों की पत्री एक ऐसी पत्री है जो बहुत सारे वही अलग अलग वो जो लोग थे, मिक्स लोग थे, उन लोगों की लिखी गई। बोलो क्या लिखी? ये पत्री की बात इसराइलियों के लिए भी आती है, नए लोगों के लिए भी आती है। एक ऐसी पत्री, हम इसको क्लियर करेंगे, 8:13 नहीं नहीं सॉरी, ये पहले पढ़ेंगे हम इब्रानियों 1:9, हाँ 1:9, ये मेन सबसे ये है इब्रानियों 1:9। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से क्या रखा? तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। किसे किया? ये बात अगर आप 1:5 से पढ़ो तो ये यीशु मसीह के बारे लिखी बात है। किसके बारे लिखी है? अगर आप 1:5 से पढ़ो पूरा, 5, 6, 7, 8 तक, तो 9 में लिखा तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। अब हर्ष रूपी तेल तो कोई है नहीं, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, जैतून का तेल है। हर्ष रूपी तेल कौन सा है? हर्ष रूपी का मतलब है पंजाबी में खुशी से होगा। हाँ बोलो क्या होगा? हर्ष रूपी मतलब खुशी से। कोई हर्ष रूपी तेल कोई ऐसा तेल नहीं है। ये इस बात को परमेश्वर सिर्फ हमें समझाने के लिए ये तेल की बात, इसको
ऐसे एक पढ़ने में उसे बोलते सिंबलम ऐसे करके कुछ नाम लेते हैं पढ़ाई दे बिचे कुछ चीजों को ऐसे बताने के लिए समझ आ रही है जहां हम इसे इस चीज को बोल सकते हैं फिगोरेटली स्पीच फिगोरेटली का मतलब होता वाक्यालंकार फिगोरेटली का स्पीच मतलब ये इंग्लिश का शब्द है वाक्यालंकार का मतलब होता है किसी बात को समझाने के लिए परमेश्वर उस तरीके से लिखते हैं जैसे मैं आपको समझाता हूं जब आप यिर्मयाह 2:13 पढ़ते हो ये नोट करो यिर्मयाह 2:13 वहां पे लिखा ऐसे परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा बताया मेरी प्रजा ने 2 बरियाइयां की मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया और अपने लिए होंद बना ले जिनमें जल नहीं ठहरता अब तुम इस बात को कैसे समझोगे यही तो बात अब दुनिया परेशान क्यों कितनों को समझ आ रहा है कहता मेरी प्रजा ने 2 बरियाइयां की है मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया अपने लिए होंद बना ले जिनमें डल जल नहीं था टूटे हुए हैं वो परमेश्वर इसराइलियों की बात कर रहा कि उन्होंने अपने लिए अपने खुद ईश्वर चुन ले क्योंकि इसराइलियों ने यही चीज की जैसे सांप को देवता उसको क्या मान लगे उसकी पूजा करने लगे क्या करने लगे तारागण को चंद्रमा को ऐसे बनाने लगे कुछ चीजें अपनी बुद्धि से कहता मेरी प्रजा ने 2 बरियाइयां उसी तरह से ये फिगुरेटली ये वचन है फिगुरेटली स्पीच का मतलब वाक्यालंकार समझ आ रही मेरी बात कि तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा इस कारण परमेश्वर तेरे साथियों से मतलब जो यीशु मसीह से पहले थे उनसे बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया हर्ष रूपी का तेल का मतलब कोई हर्ष रूपी का कोई खुशी का तेल तो होता ही नहीं तेल तो सरसों का होता है नारियल का होता है जैतून का या किसी और चीज का भी हो सकता है बादामों का भी हो सकता है कितनों को समझ आ रही है अब समझ आई है अब आपको मैं पूरा इसका मतलब समझाता हूं जो ओरिजिनल टेस्टमेंट की जो हिब्रू की जो ग्रीक में जो ओरिजिनल टेस्टमेंट की जो बाइबल है उसमें आपको मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं क्या है ठीक है अब उस दिखाओ उस बाइबल का वो वचन हाँ आप अपनी स्क्रीन पे देखो ये इंग्लिश में ये लिखा है और इसकी अलग अलग जो अलग अलग ये G25 ऐसे अलग अलग सब जितनी शब्दों में लिखा ये इंग्लिश में लिखा गया उसका मीनिंग है ये तो आपको मैं पढ़ाता हूं अपनी स्क्रीन में देखो सबसे पहले लिखा है थाउ हैज लवर्ड राइचनेस एंड हेटेड इनइक्विटी देयरफॉर God, even the God, hath anointed thee with the oil, gladness above, they follow. इसका मतलब है ये ऐसी इसी इब्रानियों 1:9 का बोलो क्या है इब्रानियों 1:9 का अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं जो बात 9 की इसको वहीं पर रखो दिखाओ अभी ये जो शब्द है hath anointed, अभिषेक बोलो क्या है हैथ अनॉइंटेड जो अभिषेक है इसको जी 55 48 को क्लिक करो इसका दिखाओ मतलब क्या है हैथ अनॉइंटेड का इसका मतलब है कैरियो बोलो क्या है क्या मतलब है इसका कैरियो 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 का मतलब होता है अनॉइंट इंग्लिश में उसे अनॉइंट बोलते हैं और ग्रीक में ग्रीक जो ओरिजिनल टेस्टमेंट की जो बाइबल है कितनों को समझ आ रही है जो ओरिजिनल टेस्टमेंट की बाइबल है हिब्रू की जो उस समय लिखी गई इस शब्द को अनाइंट को उन्होंने लिखा कैरियो क्या लिखा बोलो कैरियो कैरियो का मतलब अनाइंट इसका मतलब बनता है एक तो इसका मतलब है अभिषेक इसका पूरा मीनिंग थोड़ा इससे बड़ा कर सकते हो ताकि मैं आपको इसका इंग्लिश में और भी मतलब समझा सकूं पहले हाँ कैरियो का मतलब इंग्लिश में इसको जो ट्रांसलेटर है उसने ऐसे भी लिखा है प्रोबेबली एकिन टू थ्रो द आइडिया ऑफ कॉन्टेक्ट टू सिमिलर
और रब विद ऑयल दैट इज बाय इम्प्लीकेशन टू कंसेक्रेट टू एन ऑफ ऑफिस और रिलीजियस सर्विस. आगे फिर अनॉइंट आ गए. तो यहां पे ऐसे रखना, इसको ऐसे रखना. तो मतलब इंग्लिश वाले ने इस शब्द को कैरियो को इसका मतलब समझाया. इस इंग्लिश में इसका ये मतलब ही है. बोलो क्या है? और रब विद टू ऑयल समझे. रिलीजियस मतलब जो धार्मिकता सर्वस. सेम सिमियर मतलब ये उसी कैरियो के शब्द के मीनिंग है इंग्लिश में. समझ आ रही मेरी मतलब? इस शब्द को जो कैरियो का मतलब, एक तो शब्द आता है अभिषेक, एक अभिषेक होता है हमारी रिलीजियस का मतलब हमारी धार्मिकता, धार्मिकता की सेवकाई के लिए उसका अभिषेक. जैसे पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा को कहा हारून के पुत्रों का किससे अभिषेक करना, याजक के काम के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए. समझ आ रही मेरी बात? तो ये इसका मतलब एक तो सिंपल अभिषेक, एक रिलीजियस धार्मिकता की सेवकाई लेके अभिषेक, एक होली स्पिरिट का अभिषेक जो यीशु मसीह का भी किससे हुआ. कितनों को समझ आई? अब अनॉइंटेड शब्द का क्या मतलब है, समझ आ गई है? अब हम फिर से जाएंगे, उसी को निकालो, बैक जाओ, उसे आगे पढ़ेंगे. इबोब द ऑयल ऑफ ग्लैडनेस, इबोब दे फॉलो फॉलो फॉलो. इस फॉलो शब्द को जो ओरिजिनल टेस्टमेंट की बाइबल है ग्रीक की हिब्रू में, इसका मतलब निकालना ये लास्ट में नहीं, बाइक जाओ, बैक जाओ, जी बैक जाओ, ये जी 33:53. इसको क्लिक करो, अभी दिखाओ इसका मीनिंग. हाँ, अब इसका मतलब है, अब मैं इसका मतलब समझाता हूं. इसका जो क्या मतलब था इसका, फॉलो फॉलो करना. फॉलो का मतलब ग्रीक में आया मेटोकॉस. बोलो क्या आया? मेटोकॉस. मेटोकॉस का मतलब होता पार्टनर, पार्टनर का मतलब पाइवाल. समझ आई? तो ग्रीक में उसने बोला गया हिब्रू में मेटोकॉस. मेटोकॉस का मतलब पार्टनर. समझ आ रही? अब मैं इसको आपको और ही पढ़ाता हूं. इसका इंग्लिश के ट्रांसलेटर ने क्या लिखा मेटोकॉस का मतलब? फ्रॉम पार्टिसिपेंट दैट इज एन नॉन एशियर बाय इम्प्लीकेशन एन एसोसिएट. वही बात फॉलो, पार्ट टेकर, पार्टनर. एक उसने कहा फॉलो, कहा एक उसने कहा पार्ट टेकर, पार्टनर. एक पार्टिसिपेट, जैसे हम किसी चीज में भाग लेते हैं ना, पार्टिसिपेट में, तो उसको अलग अलग मीनिंग में उसने ऐसे मतलब बताया ट्रांसलेट इंग्लिश का जो क्या था. पर इसका जो सही मीनिंग है वो है ग्रीक में मेटोकॉस. मेटोकॉस का मतलब पार्टनर. जैसे इंग्लिश वाले ने कहा कि एसोसिएट. एसोसिएट का मतलब होता है जो किसी चीज से जुड़ा हुआ है. कितनों का समझ आ रहा है? हम किससे जुड़े हैं? बोला हम किससे जुड़े हैं? एसोसिएट का मतलब इंग्लिश वाले ने कहा किसी चीज से जैसे कोई जुड़ा होता. फॉलो का मतलब है सहभागी, पार्ट टेकर, पार्टनर. हाँ, ऐसे लिखा ना. हाँ, पार्ट टेकर, पार्टनर का मतलब जैसे किसी चीज की हम आधी चीज के हिस्सेदार हो जाते. आधी चीज के क्या हो जाते हम? साझेदार, हिस्सेदार हो जाते. उसने इंग्लिश वाले ने कहा पार्ट टेकर, पार्टनर. जैसे यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर की सारी चीजों पर किसने उसको अधिकार दे दिया? परमेश्वर ने सब चीजों पर किसको अधिकार दे दिया है? किसको समझ आ रही है? किस किस को समझ आ रही है?
परमेश्वर ने सारा अधिकार किसको दे दिया है? बोलो, किसको दे दिया? यीशु मसीह को। अब मेटोकोस का मतलब पार्टनर, एसोसिएट, बोलो क्या है? किसी चीज से जुड़े हुए। पार्टेकर, पार्टनर का मतलब है आधी चीज के हम हिस्सेदार बन गए, किस पर विश्वास करके। इसलिए यूहन्ना कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर ने अपनी संतान होने का क्या दे दिया। तो संतान क्या होती है? एक ही बाप के जो जितने बच्चे होते हिस्सेदार होते हैं कि नहीं होते? बताओ मुझे, होते कि नहीं होते? हम हिस्सेदार बन गए। इसलिए सेकंड कुरिन्थियों की एक में पौलुस कहता, जो कृपा तुम पर हुई है उसे अकार्थ ना करो, व्यर्थ ना करो। तुम परमेश्वर के सहकर्मी हो। सहकर्मी का वही मतलब, पार्टेकर, पार्टनर, पाईवाल, आधे हिस्से के पाईवाल। परमेश्वर ने हमें बना दिया। कितनों को समझ अभी? क्योंकि हमारा अभिषेक किससे हुआ है? अब समझ आ गई है अभिषेक की चीज? समझ आ गई है? तो धन्यवाद करो इस बात के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा अभिषेक, जैसे यीशु का अभिषेक पवित्र आत्मा से किया, आज हमारा अभिषेक लिखा उसी पवित्र, उस पवित्र यीशु से हो गया। अब लास्ट वचन में पढ़ता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अब पवित्र आत्मा की बात को हम नेक्स्ट सीखेंगे। बोलो क्या सीखेंगे? लास्ट एक वचन पढ़ता हूं, 8:13। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और चीरनीय हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। क्या है मिट जाना? चीरनीय का मतलब होता है जो चिरकाल से, बड़े लंबे समय से परमेश्वर ने दी, जो व्यवस्था दी ना मूसा के द्वारा। लेकिन नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी क्या हो जाती है? जैसे पुरानी का मतलब समझिए, जो कपड़ा पुराना हो जाता है, हाँ? बोलो क्या है? जो किसी काम का नहीं है, तुम उसे पहनते हो, बेशक तुम उसे रखे रहो 10 साल 50 साल रखे, पहनोगे तो नहीं, जो बिल्कुल घस, मतलब है वो कपड़ा, आप आपको समझ आ रही है वो कपड़ा, पर हो गया वो पुराना। कहता है उसने नई वाचा को क्या ठहराया? बोलो क्या ठहराया? क्या ठहराया? बोलो, नई वाचा की स्थापना को उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्णी है, जो लंबे समय से, उसका लिखा मिट जाना अनिवार्य है। बोलो क्या है? कितनों को समझ आई? अब दो चीजें आपने समझाई। एक जो मैंने आपको मतलब समझाया, घर बैठे अभिषेक का तेल बनाना सीखी, घर बैठे अभिषेक का तेल बनाना सीखे, मैंने ये चीज आपको पहले समझाई। फिर आपको समझाया कि अभिषेक क्या है और हमारा अभिषेक किस चीज से हुआ। समझ आ गई है? अब मैं इस अभिषेक को, जिस बात के लिए परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया, हम नेक्स्ट संडे इस बात को सीखेंगे, समझेंगे परमेश्वर ने हमारा अभिषेक क्यों किया, किस बात के लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया, किस बात के लिए उसने आपको अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया, आपका मसीह में मूल्य क्या है, आप कौन लोग हो, आप क्या कर सकते हो, परमेश्वर आपके द्वारा क्या क्या कर सकता है। हम इन बातों को सीखेंगे। जो लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, मेरी हीलिंग, मेरी चंगाई क्यों नहीं होती, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, मुझे बरकत क्यों नहीं मिल रही, मेरा ये काम नहीं हो रहा, आज देखो परमेश्वर हमेशा आपको वर्ड दे रहा है। ये आपके ऊपर निर्भर, आप किस तरीके से ले रहे हो। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, कुछ समय के लिए खड़े हो जाओ। आज इस बड़े पावरफुल विषय के लिए अपने दोनों हाथों को उठाकर स्वर्ग के परमेश्वर की ओर, अपने मस्तक को खुदावंद की ओर लगाते हुए प्रार्थना करो और मांगना शुरू करो, मांगना शुरू करो, मांगना शुरू करो, मांगना शुरू करो। क्योंकि ये आज तो पावरफुल विषय है, ये जो आज का जो पावरफुल विषय है, बोलो क्या है? ये जो आज का जो पावरफुल विषय है, तुम्हें इतना बढ़ाएगा, तुम्हें आगे लेकर जाएगा, तुम
यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम ज्योति के समान चमकोगे। मैंने कहा तुम ज्योति के समान चमकोगे। उसने कहा कोई ना तुझे दिन की रोशनी से ना रात की चांदनी से तेरी कोई हानि होगी। परमेश्वर तुझे बचाएगा और बनाए रखेगा। इसलिए दाऊद कहता सत्य पर पल, सच्चाई पे पल और अपने देश में बसा रहे, परमेश्वर तेरी सब मनोरथों को पूरा करेगा, तेरे सारे मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। यीशु ने कहा सत्य को जान, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आज अपने सत्य सुना है। मैंने कहा आज अपने सत्य सुना है कि सत्य क्या है। आज अपने सुना है और इसमें अपने पढ़ना और सीखना और दूसरों को भी बताना है, दूसरों को भी ये सत्य खाना और समझाना है। जैसे आज अपने यूहन्ना में पढ़ा है, ऐसा ना हो कि तुम्हें जो तुम्हारा अब मसा उस पवित्र से हुआ है, यीशु से हुआ है, ऐसा ना हो तुम्हें फिर से उस बात के लिए कोई शिक्षा दे, तुम्हें समझाए। तो धन्यवाद करो परमेश्वर का, दिल से धन्यवाद करो, दिल से धन्यवाद करो आज के पावरफुल वर्ड के लिए, आज की सब गवाहियों के लिए, सब बातों के लिए। खुदा का दिल से थैंक्स करो, थैंक्स करो, क्योंकि उसने मसीह के द्वारा, बाइबल में पत्रस कहता तुम्हें छुटकारा चांदी और सोने से नहीं, उस निष्लंक मेमने यीशु के लहू से तुम्हें मिल चुका है। मैंने कहा तुम्हें छुटकारा उस लहू से मिल चुका है। आज छुटकारा किसी मटेरियल में नहीं, किसी वस्तुओं में नहीं है, किसी मटेरियल वस्तुओं में छुटकारा नहीं है, किसी तेल और पानी में रुमाल में नहीं है। देखा आपका मसा उस पवित्र से हुआ है, उस पवित्र परमेश्वर से आपका अभिषेक हुआ है, जिसने आपका अभिषेक किया है, जिसका खुद का अभिषेक उस पवित्र आत्मा से हुआ है। धन्यवाद करो, अपने मन को फिराओ और खुदा में बढ़ने के लिए आज अपने मनों को तैयार करो, तैयार करो, तैयार करो और धन्यवाद करो परमेश्वर कि जो तेरे वचन में लिखा है, मुझे छुटकारा तेरे लहू में मिल चुका है, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं पूरी तरह से, क्योंकि ये छुटकारा तूने मुझे दे दिया। धन्यवाद खुदावंद इन सब बातों के लिए, खुदा का थैंक्स करो इन सब बातों के लिए, और हम मांगते हैं इन सब बातों के लिए खुदावंद के जीवित और पवित्र नाम से। आमीन।